नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी 5 देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है, ये भी अपने आप इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखो जैसे अगर मान लिया कभी ऐसा रहा, लोअर लिमिट 0 से स्टार्ट होता है ऊपर 2a तक जाता है, ठीक, अगर fx dx अगर दे रखा हो तो दिस इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 0 से लेकर a तक fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x दिस इंटू dx हम लोग इस चीज़ को बोल सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसको हम लोग 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर a fx dx भी बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं? अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो हम लोग बिल्कुल इस बात को बोल सकते हैं, f ऑफ 2a माइनस x अगर दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो दिस प्लस दिस 2 टाइम्स हो जाएगा तो ट्वाइस आ जाएगा, ठीक है। और कंप्लीट इक्वल टू 0 कब बोलेंगे? जब fx इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ 2a माइनस x अगर हो जाए तो नेचुरल सी बात है आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चीज़ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रॉपर्टी 5 हम लोग बोलेंगे। आता कहाँ से हम लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को? देखो अगर मेरे को प्रूफ करने के लिए बोला जाए तो हम लोग इस चीज़ को बोल सकते हैं, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 0 से लेकर ए तक fx dx प्लस a से लेकर 2a तक fx dx मैंने कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने x को सब्सटीट्यूट किससे कर दिया, सपोज मैं x को सब्सटीट्यूट कर दिया 2a किससे, 2a माइनस t से अगर मैं सपोज को सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से dx क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा माइनस dt इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मैं x इक्वल मैंने ये सब्सटीट्यूट किया तो dx इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा, और लिमिट चेंज करना पड़ेगा मेरे को। अगर मैं x में पुट करता हूँ a, ठीक है, तो a इक्वल टू 2a माइनस t, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस a आ जाएगा। यहाँ से बात समझ में आ रहा है, ठीक है, सही है ना, ठीक है। टी इक्वल नहीं, टुक जगह बढ़ कर दिया ना, टी इक्वल टू ए हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ए हो जाएगा तो टी इक्वल टू ए आ गया, ठीक है। अगर एक्स ए पुट करने पे, अगर मैं एक्स में मैंने पुट कर दिया 2a, तो 2a इक्वल टू 2a माइनस टी, तो टी किसके इक्वल आ जाएगा, ऑफकोर्स 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बस ये सारा काम सेकंड पार्ट के लिए करा, फर्स्ट पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं किया मैंने, ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए मैंने सब्स्टिट्यूट करा है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट मेरा क्या था, ऑफ कोर्स मेरा सेकंड पार्ट था a से लेकर 2a तक f ऑफ x dx था, तो मैंने अगर x के जगह पे a रखा तो t का वैल्यू कितना आ रहा है, ऑफ कोर्स 1 इक्वल आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a रखने पे 0 आ गया, और x को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, 2a माइनस t से सब्स्टिट्यूट करा था, और dx इक्वल टू माइनस dt था, तो बाहर माइनस मैंने dt को रख दिया। अगर मैं माइनस को अगर मैं हटा दूँ तो लिमिट चेंज हो जाएगा, तो 0 से लेकर a तक f ऑफ 2a माइनस t dt हो गया। इसको मैं बोल सकता हूँ अगर मैं t को x से रिप्लेस करूँ तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, प्रॉपर्टी 2 से माइनस x इंटू dx हम लोग बोल सकते हैं। तो अल्टीमेटली मैंने स्टार्टिंग यहाँ से करा था, पहुँच यहाँ पे गया और ये इसके इक्वल आ गया, तो दिस इक्वल टू दिस आपस में इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से अब मैंने क्या किया था, इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया, दिस प्लस दिस, और ये किसके इक्वल आ गया, ऑफ कोर्स इसके इक्वल आ गया, तो इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया इस चीज़ को, तो अगर हमने प्रूफ कर दिया तो अब क्या बोल सकते हैं हम लोग, देखो प्रूफ हो गया। तो यहाँ से प्रूफ क्या हो गया, 0 से लेकर 2a तक अगर fx into dx दे रखा है, इसको मैं 0 से लेकर a तक fx और दोनों का लिमिट सेम है, तो हम लोग लिमिट को मैंने एक ही रखा, बाहर रख दिया, और यहाँ पे इसको प्लस f ऑफ 2a माइनस x into dx हम लोग बोल सकते हैं। और बाकी तो सबको समझ में आ रहा है, अगर दोनों सेम हो जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और अगर माइनस साइन आ जाएगा तो कैंसिल आउट होकर फाइनली 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी 5 को मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो दिस इक्वल टू दिस हम लोग बोल सकते हैं, ये भी बहुत ही काम का प्रॉपर्टी है। जैसे 4 था इंपॉर्टेंट, उसी तरीके से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 को ज़्यादा ही यूज आता है, बट 5 भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने मेरे को हेल्प करेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 5 से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें है, ठीक है, क्योंकि सबका लोअर लिमिट 0 है, जितने भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे सबका अपर लिमिट 2a के फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या होता था, जैसे प्रॉपर्टी क्या था हम सबको पता है, अगर 0 से लेकर 2a तक fx dx रहा और 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे माइंड में प्रॉपर्टी 5 हिट करना चाहिए, ठीक है। ऐसे कई बार प्रॉपर्टी 4 का भी यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग 0 से लेकर a तक 2a को हाफ करते थे, और यहाँ पे fx एज इट इज़ प्लस f ऑफ 2a माइनस x इंटू dx, इसको हमने प्रूफ कर रखा है ऑलरेडी पहले। और अगर दोनों सेम हो जाता था तो 2 टाइम्स होता था, और अगर एक दूसरे का अपोजिट साइन रहा था कैंसिल आउट हो गया, 0 भी होता था, इसका 3 फॉर्म था, ठीक है।
तो उसी से रिलेटेड ये सारा क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है प्रॉपर्टी फाइव से, है ना। जीरो से इसका अगर लोअर लिमिट दिखाई दे तो प्रॉपर्टी फाइव माइंड में हिट करना चाहिए हम लोगों को, है ना। देखा करके हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, जीरो से लेकर टू पाई तक, है ना, साइन 100x इंटू कॉस 99x dx बोला गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सेम प्रॉपर्टी क्या लगा देते हैं, ये i मान लिया, i इक्वल टू दिस दे रखा है, ठीक है, प्रॉपर्टी 5 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो हाफ हो जाएगा जीरो से लेकर पाई तक, ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा, साइन 100x इंटू कॉस 99x हो गया, ठीक है। फिर यहाँ प्लस साइन लगाएंगे, अब 2 पाई माइनस एक्स करने पे ये तो फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पावर इवन में है, तो साइन तो एज इट फंक्शन तो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। बट कॉस 2 पाई माइनस एक्स करने से क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई माइनस एक्स करने से कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, ऑफकोर्स पहुँच जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस 99x इंटू dx आ गया, ठीक है। मैंने क्या किया, 2 पाई माइनस एक्स करने से फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो नेगेटिव होता बट पावर इसका इवन में है तो पॉजिटिव रहा, और 2 पाई माइनस एक्स करने से कॉस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ हमने फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच गया, ठीक है। तो कितना 2 टाइम्स हो गया, ये चीज़ को फ़र्क नहीं पड़ा, मीन्स क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ बोल सकते हैं, क्योंकि fx इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल आ गया, तो 2 टाइम्स आ गया, है ना। जीरो से लेकर पाई तक साइन 100x इंटू कॉस 99x इंटू dx आ गया, ठीक है, आई इसके इक्वल आ गया। फिर से प्रॉपर्टी 5 लगा देते हैं हम लोग, अगर फिर से प्रॉपर्टी 5 लगाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखो ट्वाइस तो बाहर है ना, जीरो से लेकर पाई बाई टू हाफ हो जाएगा इस जगह पे, और ध्यान से देखना, अगर ये तो fx तो एज इट इज रहेगा, साइन 100x इंटू कॉस टू द पावर 99x, ठीक है दिस। अब समझना, अगर आप देखो अगर पाई माइनस एक्स करो तो इसमें फिर से पॉजिटिव रहेगा क्योंकि पावर इवन में है, और ऐसे भी साइन पाई माइनस एक्स पॉजिटिव ही होता है, बट कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और पावर इसका ऑड में है तो बाहर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे साइन 100x इंटू कॉस 99x हो जाएगा, ठीक है, इंटू dx। अब देखो ये तो कैंसिल आउट, कितना हो गया चीज़, ऑफकोर्स जीरो हो गया, तो फर्स्ट का कंप्लीट आंसर क्या हो गया, कंप्लीट दिस इक्वल टू जीरो हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, सेकेंड यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट का आंसर क्या आया, फर्स्ट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सेकेंड नंबर देख लेते हैं, जीरो से लेकर 4 पाई dx बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 2 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब ध्यान से देखो, 10 होता है कि पाई बाई 2 में क्या होता है, डिफाइन नहीं होता है, तो मेरे को उसको कहाँ तक ले जाना है, अगर सिर्फ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता और ऊपर क्या होता, sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो हम लोग टी डी टी करके आराम से कर लेते, बट मेरे को इसको पाई बाई 2 तक ले जाना पड़ेगा क्योंकि पाई बाई 2 पर 10 का अनडिफाइन हो जाता है ना। तो प्रॉपर्टी हम लोग क्या लगाते चलते हैं, अब देखो अगर लगाएंगे सपोज तो 4 पाई माइनस एक्स करने से क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी पावर क्या है, फंक्शन तो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, हर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 में फंक्शन चेंज होता है, जैसे साइन कॉस कॉस 10 कॉस साइन 10 कॉट कॉट 10 sec cosec cosec sec, कब चेंज होता है, जब 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर्म में हो, और n पाई में रहा तो फंक्शन में चेंज नहीं होता, जो हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं 2 पाई करा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, ऑफकोर्स कॉस स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि पावर इवन, इसका पावर इवन फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ट्वाइस में बोल सकता हूँ, जीरो से लेकर 2 पाई तक इसको ऊपर भेज देते हैं, तो sec स्क्वायर एक्स dx कोई फर्क नहीं पड़ेगा फंक्शन में, ठीक है। अगर फिर से कर दिया मैं तो 2 इंटू 2 आ गया, क्योंकि दिस प्लस दिस ऐड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर पाई तक, है ना, फिर से क्या हो गया, sec स्क्वायर एक्स dx डिवाइड बाई 2 प्लस 10 स्क्वायर एक्स आ गया। फिर से हम लोग करेंगे, ठीक है, तो 2 फिर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, तीन बार 2 आ जाने से जीरो से लेकर पाई बाई 2 तक, sec स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू dx आ गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं 10 स्क्वायर एक्स को अगर मैं क्या बोल दूँ, t बोल दूँ, ठीक है, तो sec स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी 10 स्क्वायर एक्स 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो t ऊपर dt दे रखा है ना। तो काम करते हैं इस चीज़ को हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इस चीज़ को
है ना, इसको हम बोल सकते हैं ऐसा, जीरो से लेकर पाई बाय टू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई टेन स्क्वायर एक्स प्लस रूट टू का होल स्क्वायर दे रखा है इंटू डी एक्स दे रखा है ना। अब देखो क्या होता है, ये क्या हो जाएगा चुपचाप से, इसका मेरे को समझ में आ रहा है, एट आ गया ठीक है, वन बाई ए दैट मीन्स ए का वैल्यू रूट टू है, तो वन बाय रूट टू है ना, फिर क्या बोलेंगे टेन इनवर्स, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टेन एक्स बाई रूट टू हो गया है ना, और इसका लिमिट क्या हो गया जीरो से लेकर पाई बाई टू, तो इसको इवैल्यूएट कर लेना मेरे को ठीक है। अब देखते चलो, ये तो क्या हो चुका है फोर रूट टू आ चुका है यहाँ पे है ना, अब अगर मैं पाई बाई टू पुट किया तो टेन पाई बाई टू क्या हो जाता है, ऑफकोर्स टेन पाई बाई टू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और अगर कंप्लीट इसका टेन इनवर्स का आर्गुमेंट इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो टेन इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है ना, तो अगर इन्फिनिटी आती है कहाँ जाए, कहाँ जाएगा ये पाई बाई टू की तरफ, ये क्या हो जाएगा पाई बाई टू हो गया, क्लियर है ना। और अगर मैं जीरो पुट किया तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा मेरा ठीक है टू रूट टू पाई इस आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक है। इस तरीके से मैंने सेकंड नंबर क्वेश्चन कर लिया, थर्ड नंबर देख लेते हैं हम लोग, थर्ड में क्या बोला कि लोअर लिमिट जीरो से लेकर वन तक एल एन क्या दे रखा है वन बाई एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स दे रखा है ठीक है। इसमें हम लोग प्रॉपर्टी फोर भी लगा सकते हैं ठीक है, प्रॉपर्टी फोर क्या होता था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से एक्स को हम लोग रिप्लेस करते थे, अगर आई इक्वल टू दिस दे रखा है इसको लोग बोल सकते हैं ऐसे इस तरीके से वन माइनस एक्स बाई एक्स बोल सकते हैं हम लोग ठीक है। प्रॉपर्टी फोर लगा दिया हमें, प्रॉपर्टी फोर का ही मैं यूज़ कर लेता हूँ, तो एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे जीरो प्लस वन माइनस एक्स से, दैट मीन्स एक्स नाउ रिप्लेस विथ वन माइनस एक्स ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या बोलेंगे जीरो से लेकर वन तक है और एल एन, अगर मैं एक्स को वन माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो वन माइनस एक्स की जगह पर वन माइनस एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स हो गया डी एक्स हो गया ठीक है, वन से वन कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया जीरो से लेकर वन तक एल एन। अब देखना है यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाई वन माइनस एक्स इंटू डी एक्स ठीक है। अब हम सबको पता है कि अगर log ऐसा लिखा हो a बाई बी, जिसको मैं बोल सकता हूँ माइनस log b बाई हो जाएगा ये ठीक है, जिसको अगर मैं रिसिप्रोकल कर दूँ ठीक है log का आर्ग्यूमेंट, तो बाहर माइनस आ जाएगा और जीरो से लेकर वन तक ln वन माइनस एक्स बाई एक्स डी एक्स आ गया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन वन बोल दूँ, ये भी आई के इक्वल है, इसको मैंने इक्वेशन टू बोल दिया, और वन प्लस टू अगर मैं कर दूं, देखो तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस आ चुका है, तो यहाँ से आई प्लस आई टू आई इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स आई इक्वल टू मेरा जीरो आ गया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ठीक है। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग है ना। फोर्थ में क्या बोला गया है, लोअर लिमिट जीरो से लेकर पाई बाई टू तक साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा है ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम लोग इसमें फिर से प्रॉपर्टी फाइव लगाते हैं, प्रॉपर्टी फाइव लगाने से मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है क्लियर है ना, क्योंकि पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा फंक्शन चेंज होगा मेरा ठीक है, जीरो से लेकर पाई बाई फोर हाफ कर दो इस जगह पे, ये तो एफ एक्स एज इट इज रहेगा डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स करने से डिवाइड बाई ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगा इंटू डी एक्स दे रखा है ये ठीक है, जीरो से लेकर पाई बाई फोर है ठीक है। अब ध्यान से देखना, एलसीएम अगर लेते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा वन बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचेगा ठीक है इंटू यहाँ पे डी एक्स दे रखा है। अब ध्यान से देखते चलो, क्या एक काम करते हैं इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ऑफ कोर्स इसको रूट टू से मल्टीप्लाई भी करते हैं और रूट टू से डिवाइड भी कर देते हैं ठीक है, जो हम लोग रेंज निकालने के लिए ऑलरेडी फंक्शन में साथ में ट्रिग्नोमेट्री में ये सब काम कर चुके हैं ठीक है। अगर मैं इसको वन बाई रूट टू से, अब वन बाई रूट टू में बोल सकता हूँ इस जगह पे कॉस पाई बाई फोर, जिसको मैं साइन पाई बाई फोर बोल दूँ कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए प्लस बी होता है ना ठीक है, तो जीरो से लेकर पाई बाई फोर तक है, ऊपर डी एक्स है डिवाइड बाई वन बाई रूट टू बाहर निकाल लो है ना, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होगा साइन ए प्लस बी, दैट मीन साइन एक्स प्लस
पाई बाई फोर हो गया। इसको हम लोग बोल सकते हैं वन बाई रूट टू जीरो से पाई बाई फोर, ये क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस पाई बाई फोर इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब कॉसेक का इंटीग्रेशन हम सबको पता है क्या होता है, एल एन कॉसेक एक्स प्लस पाई बाई फोर माइनस क्या होता है कॉट एक्स प्लस पाई बाई फोर, ठीक है। लिमिट क्या जीरो से लेकर यहाँ पे पाई बाई फोर है, पाई बाई फोर तक है, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट पुट कर लेते हैं, वन बाई रूट टू तो बाहर ही है, ठीक है ठीक है। पाई बाई फोर पुट करोगे तो कॉसेक पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर विच इज पाई बाई टू, तो कॉसेक पाई बाई टू कितना होता है ऑफ कोर्स ये वन होता है, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे पुट किया पाई बाई फोर, ठीक है, तो पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर पाई बाई टू, तो कॉट पाई बाई टू क्या होता है ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस साइन लगाएंगे हम लोग, फिर क्या लिखेंगे जीरो पुट करेंगे, तो अब जीरो पुट करने पे क्या हो जाएगा ये देखो, है ना, पहले मैंने इसको इसे पुट कर दिया, ठीक है, है ना। फिर क्या लिखेंगे एल एन लिखना पड़ेगा मेरे को, है ना। अब क्या लगता है अगर जीरो पुट करोगे तो कॉसेक पाई बाई फोर विच इज रूट टू, रूट टू हो गया, फिर यहाँ पे क्या है माइनस तो लगा ही हुआ है, ठीक है। अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो कॉट पाई बाई फोर किसके इक्वल होता है, ऑफकोर्स वन के इक्वल होता है, ठीक है। और एल एन वन कितना होता है ये तो जीरो हो गया, ठीक है। तो फाइनली क्या आंसर आ गया मेरा, माइनस एल एन रूट टू माइनस वन बाई रूट टू इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर को हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इन सारा जो वीडियो है देखने से पहले खुद से ट्राई करना है सारा क्वेश्चन, क्योंकि सब क्वेश्चन लगभग सेम टाइप का, ठीक है। देन वीडियो देखो तभी फ़ायदा है, जो इस बात को जो मैं बार बार बोलता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देख लेते हैं, लोअर लिमिट जीरो से लेकर पाई बाई टू तक दे रखा है, साइन एट एक्स इंटू एल एन कॉट एक्स डिवाइड बाई कॉस टू एक्स डी एक्स दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं प्रॉपर्टी फाइव लगाता हूँ क्योंकि जीरो स्टार्ट हुआ है, तो जीरो से पाई बाई फोर हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एट पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन तो एज इट इज रखा ही हुआ पहले, पहले इसको लिख ही दो, ठीक है। क्या लिखा हुआ यहाँ पे साइन एट एक्स इंटू एल एन कॉट एक्स, तो यहाँ पे है डिवाइड बाई कॉस टू एक्स, तो एज इट इज है, ठीक है। फिर यहाँ प्लस साइन में लगाया, अब मैं पाई बाई टू माइनस एक्स मेरे को करना है, तो साइन यहाँ पे दे रखा है एट पाई बाई टू माइनस एक्स, एक्स की जगह रिप्लेस करना है पाई बाई टू माइनस एक्स से, इंटू एल एन कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ कॉस ट्वाइस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स दे रखा है, ठीक है। दिस इंटू डी एक्स हो गया, है ना। ये तो एज इट इज रहेगा, आई के इक्वल है, इधर आ जाओ। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देख रहा है। एक्चुअली मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 पाई माइनस 8x, तो साइन 4 पाई माइनस 8x मीन साइन 4 पाई माइनस 8 ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, तो बाहर तो माइनस आ जाएगा ये और साइन 8x यहाँ पे हो जाएगा ये, तो ठीक है। अब देखना यहाँ पे ये एल एन कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स, इधर मेरा 10x हो जाएगा, और अगर ऐसा लिखा हो एल एन यहाँ पे 10x आ गया, तो इसको मैं बोल सकता हूँ एल एन वन बाई कॉट एक्स, इसको मैं बोल सकता हूँ एल एन कॉट एक्स का पावर माइनस वन, देखिए आगे माइनस पावर का पावर एज इट इज पीछे आ गया, एल एन कॉट एक्स में बोल सकता हूँ, ठीक है। मीन्स घुमा फिरा क्या लिखा हुआ है, माइनस एल एन कॉट एक्स लिखा हुआ और कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या हो गया माइनस एल एन कॉट एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से देखो कॉस टू से टू कैंसिल, तो पाई माइनस टू एक्स,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस टू एक्स चुपचाप से ये लिखा हुआ। अब ध्यान से देखना, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया और प्लस डिवाइड बाय माइनस तो कंप्लीट माइनस हो गया, ठीक है, और ये प्लस में पूरा, ये पूरा माइनस में, तो कंप्लीट कहाँ चला जाएगा, जीरो की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू कितना आ गया, ऑफकोर्स जीरो के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी कंप्लीट हो गया। सिक्स्थ नंबर देख लेते हैं हम लोग, सिक्स में क्या बोला, जीरो से लेकर पाई तक है, ई टू द पावर कॉस एक्स डिवाइड बाय ई टू द पावर कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस कॉस एक्स डी एक्स दे रखा है। फिर से सेम कहानी, प्रॉपर्टी फाइव लगाना मेरे को, पाई बाय टू तक जाएगा, ठीक है, कॉस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, ठीक है, क्या करना है, पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स करने से क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए माइनस कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर कॉस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब देखो एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, कट पेट के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, साफ दिख रहा है, तो वन इंटू डी एक्स हो गया, तो क्या हो गया, एक्स जीरो से लेकर पाई बाई टू तक, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, पाई बाई टू, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सिक्स मेरा कंप्लीट हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं, सेवन में क्या करना है, जीरो से लेकर पाई तक साइन टू द पावर एट एक्स इंटू कॉस सेवन एक्स इंटू डी एक्स, मेरे को साफ दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टी फाइव लगाएंगे अगर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पाई माइनस एक्स करने से क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस बाहर आ जाएगा और कट पिट का आंसर क्या हो जाएगा इसका, जीरो आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं हम लोग, जो लास्ट क्वेश्चन है, जीरो से लेकर टू पाई तक है ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर फोर एक्स डी एक्स दे रखा है, ठीक है, देखते चलो, प्रॉपर्टी फाइव लगाते चलो, पाई हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर फोर एक्स हो गया प्लस टू पाई, फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों पावर क्या है, इवेन में है, बस फंक्शन भी सेम रहेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर फोर एक्स, ठीक है, क्योंकि है ना, तो टू टाइम्स आ जाएगा, मीन्स टू टाइम्स जीरो से लेकर पाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस टू द पावर फोर एक्स इंटू डी एक्स। अगर मैं फिर से करूँ तो भी फंक्शन चेंज नहीं होना है, ठीक है, तो मैं बाहर टू इंटू टू फोर लिख दिया, टू इंटू टू जीरो से लेकर पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर फोर एक्स डी एक्स। अगर मेरा फंक्शन चेंज हो जाए क्योंकि पाई बाय टू आ चुका है, ठीक है, तो पाई बाई टू आ चुका है, तो फिर से टू इंटू टू क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स यहाँ पे एट आ जाएगा और जीरो से लेकर पाई बाई फोर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर फोर एक्स दिस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन टू द पावर फोर एक्स दिस कंप्लीट ऑफ डी एक्स आ गया, ठीक है। तो आई इक्वल टू यहाँ पे एट आ चुका है, जीरो से लेकर पाई बाई फोर है, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कर बाहर निकालते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाहर इधर अंदर हो जाएगा, ठीक है, डी एक्स, ये मेरा वन के इक्वल आ गया, है ना। अब इसको मैं बोल सकता हूँ जीरो से लेकर पाई बाई फोर एट बाहर है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मैं टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का अगर मैं कंप्लीट का होल स्क्वायर बोल दूँ और डिवाइड बाय मैंने फोर कर दिया, क्योंकि टू का स्क्वायर फोर एक्स्ट्रा ऐड करा है, ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू टू टाई जीरो से लेकर पाई बाई फोर टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, ऑफकोर्स साइन टू एक्स डी एक्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब साइन का होल स्क्वायर आ चुका है, ठीक है, तो यहाँ से आई की इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग, टू टाइम्स ऑफ जीरो से लेकर पाई बाई फोर तक। अब ध्यान दो, साइन स्क्वायर टू एक्स दे रखा है, तो साइन स्क्वायर टू एक्स क्या हो जाएगा मेरा, वन माइनस कॉस फोर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स हम लोग बोल सकते हैं साइन स्क्वायर टू एक्स को, ठीक है, क्योंकि एंगल डबल मैंने कर दिया इस जगह पे। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो टू तो बाहर है मेरा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
वन बाय टू एक्स माइनस, ठीक है, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन में रहता है तो साइन फोर एक्स पाई, फोर इंटू टू एट आ जाएगा, लिमिट जीरो से लेकर पाई बाई फोर हो गया, ठीक है। अब देख लो क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू अगर मैं पाई बाई फोर पुट करता हूँ तो टू इंटू पाई बाई फोर इंटू टू तो पहले से था, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे क्या लिखा, पाई बाई फोर लिखा, ठीक है, तो फोर फोर कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन पाई जीरो हो जाएगा और जीरो पुट करने पे दोनों जीरो ही होगा, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इसका आंसर पाई बाई फोर इज आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई डोंट थिंक कहीं गलती, और फिर से चेक कर लेते लिमिट में, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, पाई बाई फोर पुट किया तो यहाँ पे पाई बाई एट आ गया, टू पहले से था, यहाँ पाई बाई फोर पुट करने से साइन पाई क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा और जीरो पुट करने पे दोनों तो जीरो आ ही रहा है, ठीक है, फाइनली आंसर पाई बाई फोर, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन आठों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, इसके अलावा हम लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जो ऑलरेडी मॉड्यूल में क्वेश्चन है।